शिवसेना और कंगना रनौत में तकरार के बीच बीएमसी ने कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़ दिया था। इसके बाद कंगना रनौत ने बांद्रा के पाली हिल में अपने दफ्तर के कथित अवैध निर्माण को ढहाने की बीएमसी की कार्रवाई को चुनौती दी और फिर बाद में इस कार्रवाई को रोक दिया गया। लेकिन अब विवाद बढ़ता जा रहा है। कंगना ने कुछ समय पहले ही अपने ट्विटर अकाउंट पर बाला साहब ठाकरे का एक पुराना वीडियो शेयर किया है। इंडिया टीवी को दिए गए एक पुराने इंटरव्यू में बाला साहब कहते हैं कि चुनाव पर मुझे यकीन नहीं है, मैं हूं इसलिए पार्टी अभी तक जिंदा है। वीडियो में वो साफ कहते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है, मुझे इस पर विश्वास नहीं, ये सब कुछ गुटबाजी है। नाम अच्छा है लेकिन पार्टी को वोट मांगना पड़ता है। एक और वीडियो में बाला साहब ठाकरे एनसीपी के साथ कभी हाथ नहीं मिलाने की बात कर रहे हैं। वह कहते हैं कि जिस आदमी ने अटल जी की सरकार को नीचे गिराया वह उसके साथ हाथ कैसे मिला सकते हैं। बाला साहब आगे कहते हैं कि वह सस्ती राजनीति के लिए एनसीपी और शरद पवार से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। वहीं उन्होंने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को विदेशी मूल का बताते हुए उनका विरोध किया था, लेकिन अब वही एनसीपी और कांग्रेस एक हैं। इस पर अब कंगना ने पार्टी पर वार किया है। उन्होंने कहा कि महान बाला साहब ठाकरे मेरे सबसे पसंदीदा आइकॉन में से एक हैं। उनका सबसे बड़ा डर था किसी दिन शिवसेना गठबंधन करेगी और कांग्रेस बनेगी। और ये चुनाव बिना वगैरह मुझे पसंद नहीं है, चुनावी बातें तो मैं न मानता नहीं। और बिकॉज आई एम देयर द पार्टी हैज सर्वाइव्ड, ये तो सबसे पहले उसकी भी कांग्रेस बनती। आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते? नहीं, लोकतंत्र क्या होता है, गुटबाजी है, ये सब चलते ओनली ग्रुपिज्म, दैट इज लोकतंत्र कहते। नाम अच्छा है मगर पार्टी को वोट मांगना पड़ता है। जब हटना होगा तो मैं खुद जाऊंगा और गया भी था, एक बार नहीं दो बार मैंने इस्तीफा दिया था, लोगों ने मुझे फिर वापस लाया। मैं जानना चाहता हूं कि आज उनकी पार्टी की स्थिति को देखते हुए उनकी सजग भावना क्या है। इससे पहले कंगना ने सोनिया गांधी और कांग्रेस को ट्वीट कर कहा कि प्रिय आदरणीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, एक महिला होने के नाते महाराष्ट्र में आपकी सरकार द्वारा किए गए काम से आपको पीड़ा नहीं होती क्या? आप डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा हमें दिए गए संविधान के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए अपनी सरकार से अनुरोध नहीं कर सकते? इससे पहले कंगना ने एक ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे मगर मेरी आवाज मेरे बाद 100 फिर लाखों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाजें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे? तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। बता दें, कंगना रनौत के मुंबई स्थित मणिकर्णिका फिल्म्स ऑफिस में कथित अवैध निर्माण को बीएमसी ने बुधवार को तोड़ दिया था। बुधवार को हाईकोर्ट ने बीएमसी की कार्यवाही पर रोक लगा दी। यह रोक गुरुवार दोपहर 3 बजे तक लगाई गई। हालांकि बीएमसी ने पहले ही अपनी तोड़फोड़ की कार्रवाई पूरी कर ली थी।